जोग टीवी वसेब दी आवाज। अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नु प्रेस करो। अगर तुआडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है, या तुआडे नाल कोई ज्याती हो रही है ते साडा राबता नंबर तल्ले पट्टी ते चसुआ। ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, ये पानी का जो इशू है, ये तकरीबन सब लोगों का, सिंध का भी इशू है, सरायकी का भी इशू है, पख्तूनों का भी इशू है, बलूचिस्तान का भी इशू है, और पंजाब का अपना भी इशू है, खुद उसका भी इशू है। वो कैसे, वो इस तरह सरायकी वसेब के ऊपर, सरायकिस्तान के ऊपर पंजाब ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। जितनी सरायकी वसाइल हैं उसके ऊपर पंजाब का कब्जा है। पहली बात यह है कि सरायकी इलाके के तीन हेड हैं, सन 1929 में बने थे, नवाब बहावलपुर में बनाए थे, हेड सुल्तान की, हेड इस्लाम और हेड पाटनर। ये तीनों हेड के अंदर जो पानी है वो चोलिस्तान में पानी जा रहा है सिर्फ और सिर्फ, अबासिया कैनाल में पानी जा रहा है और किसी को नहीं दे रहे, सिर्फ पंजाबी कब्जा माफिया जिन्होंने चोलिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, या अरब शेख जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मीन लीज पे दी है, वहाँ पे चोलिस्तान के अंदर लोग प्यासे मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि कह रहे हैं कि पानी की कमी है, रिटायर्ड फौजी अफसरान की ज़मीनों में पानी जा रहा है, दूसरे एमएनए एमपीएस मिनिस्ट्री को ज़मीनों में पानी जा रहा है, अबासिया किनाल फुल भरा हुआ है, शेखों की ज़मीनों में पानी जा रहा है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा तो सरायकी को नहीं मिल रहा, चोलिस्तानी को नहीं मिल रहा, गो के ज़मीन चोलिस्तानी की है, ज़मीन सरायकी की है, नहर सरायकी ने बनवाई है, सरायकिस्तान के लिए बनवाई है, इसमें आपका क्या ख्याल है? अच्छा, ये जो आपने बताया ये बड़ा देरीना भी है और बहुत बुनियादी इशू है। ठीक है, अब आप की बात मैं समझ गया। अभी अगर आपने देखा होगा, दो महीने पहले बन्नू में महमूद अचकज़ई ने एक जरगा बुलाया था। ठीक है, वो वहाँ जितने पश्तून इलाके थे या अल्लाह के उसके लोग आए थे, और उसमें भी ये पानी का इशू जो है वो इसी तरह डिस्कस हुआ। ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, ये पानी का जो इशू है, ये तकरीबन सब लोगों का, सिंध का भी इशू है, सरायकी का भी इशू है, पख्तूनों का भी इशू है, बलूचिस्तान का भी इशू है, और पंजाब का अपना भी इशू है, खुद उसका भी इशू है। वो कैसे, वो इस तरह कि अब हमारे, अगर आप देखो कलाबाग डैम का इशू बहुत पुराना एक इशू है। अब इशू क्या था कि अब दो दरियाँ, अब हम इसके अबासीन, जैसे दरिया सिंध हम इस पश्तो में अबासीन बोलते हैं उसको, अबासीन का मतलब तमाम दरियाओं का अब्बा, ठीक है, सबसे बड़ा दरिया। इसी तरह इसके दरिया काबुल, इसी तरह और पंजगोर हमारे, इस तरीके से जिंदी और भी सारे हमारे दरिया आते हैं, हम इसके साथ मिलते हैं। फिर गाजी बरोता का इलाका है, इसी से उन्होंने भी नहरें निकाल के फतेहगंज थलागंज वगैरह के इस एरिए में निकाले हुए हैं नहरें, ये सब चीज़ें हैं। अब उसी का इशू जो है, अब जो जनूबी पख्तूनख्वा के जो इलाके हमारे हैं, जिस तरीके से करक हो गया और मरवत इलाका, डिस्ट्रिक्ट मरवत हो गया, बुनक, इसमें भी दरिया के किनारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा, ऐसा है ना। ये इशू तकरीबन लोगों के इस तरह है। वजह क्या है कि हमारे यहाँ जो पानी का जो मंसूबा है, या जो हमारे जो NFC अवार्ड वगैरह के ये सब से लेते हैं, उसको अच्छी सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा। लेकिन ये पानी का इशू जैसे आप बात कर रहे हैं, ये कैसे खत्म, ये कौन, यही अभी यही बात तो कर रहा हूँ कि अगर अवार्ड, आप NFC अवार्ड और सब चीज़ें के, तो देखें ये इसी तरीके से जैसे हम कानून बना लेते हैं और उस पर अमल दरामद नहीं करते। अगर 302 का कानून मौजूद है कि नहीं, फिर भी कत्ल हो रहे हैं, चोरी का कानून मौजूद है, हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर ये इवार्ड है और इसको उसी तरीके से सही तरीके से इस पर अमल दरामद किया जाए, जिनको जितना हिस्सा है उसको उतना दे दिया जाए, तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब आपने इशू सरायकी का जो बताया, उठाया कि इसको इशू क्यों है, अब मसला ये है कि अब आपका तकसीम जो है, अब तो वो एक सूबे के हिसाब से आ रहा है। जब तक आपको सूबे का इशू नहीं आल हुआ है, तो आपको उसी हिसाब से मिलेगा।
यानी अगर सराय के सूबे मिलेगा तो उसको उसी हिसाब से फिर उस वार्ड में मिलेगा। अगर अब आपकी अभी बात ये होगी तो लाजमी बात है वो तो अब पंजाब के हिस्से में ही आ रहा है कि उसी हिसाब से जितना इसे उसको मिलेगा वहाँ पर पानी ऐसा होगा। मैं ये नहीं कह रहा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पानी ना हो, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि वो जो गरीब जितने भी एरियाज हैं पाकिस्तान में जितने भी गरीब इलाके हैं वो पिस रहे हैं उसी में। अब आपके एरियाज में भी मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी चीज़ के पाकिस्तान में कमी नहीं। अगर आज ये लोड शेडिंग है ना, आपका क्या ख्याल है, बिजली की कमी है? नहीं, बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है, तरीक़ेकार नहीं है कि उसको उसी तरीके से हैंडल किया जाए। जहाँ की कब्जागिरी है, जिन लोगों की दादागिरी है, जिन लोगों के जोर है, वो जाके अपना उस तरफ के खींच रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, ये तो अभी की बात है, हम और आप गांव के लोग हैं ना, गांव में जो जो बंदा ज़मींदार मजबूत होता था वो हमारे पानी अपने तरफ नहीं अपने खेतों की तरफ कर लेता था, हमें महीने महीने दस दस दिन तक नहीं मिलते थे, उसको पानी मिलता था। तो ये वही चीज़ है, उसको वो छोटे पैमाने पे था, बड़े पैमाने पे हो रहा है, वही चीज़ हो रही है। आखिरी सवाल है आपसे जी, सबसे बड़ा मसला ये है कि कहा जाता है कि हम सिराय के किस्तान को पानी दे रहे हैं, अबासिया कैनाल से सिराय किस्तान सिराकी को पानी नहीं मिल रहा। मेरा सवाल सबसे ठीक है, वो पानी मिल रहा है, वो पानी मिल रहा है फौजी फौजी को, रिटायर फौजी को जिसको अलॉटमेंट हुई है ऐसे चोलिस्तान में ना, चोलिस्तान में फौजी को मिल रहा है, पंजाबी जिनको जो गैर यहाँ के लिए जो गुजरात से आया है, गुजरावाला फैसलाबाद से जिनको जो है ना जमीन इलाट हुई है उनको पानी मिल रहा है, या अरब शेखों को मिल रहा है, भाई सिराकी को क्यों नहीं मिल रहा, मेरा सवाल ये मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि सराय को पहले, मेरा सवाल ये कि पहले तो सराय को देखो, कोई चीज़ जहाँ का बुनियादी होगा पहले उनको मिलना चाहिए, ये उसूल है ना, हर जगह ये उसूल है, पहले तो इसी उसूलों को अपनाया जाए, वैसे ख़त्म हो जाएगा मसला कि जो चीज़ जहाँ पे मौजूद है वो लोगों को मुफ्त मिलने चाहिए, सबसे पहले मिलने चाहिए, प्रायोरिटी बेस मिलने चाहिए और मुफ्त मिलने चाहिए। अब आपने बोला ना कि ये इशू कितना पुराना है चोलिस्तान का, अब देखिए अब हमारा इशू क्या है, अब देखिए कुछ दिन दो तीन दिन पहले एक्स सर्विसमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं वो, सियासत में ला रहे हैं आर्मी चीफ को ना, तो क्या उनको ला सकते हैं सियासत में, उसको कह सकते हैं कि आप इस तरह करें इस तरह नहीं। असल में ये होता है कि बाज लोग जो होते हैं ना कि वो रिटायर भी हो जाते हैं और रिटायर नहीं होते हैं तो इसलिए वो जो है वो उसकी मिसाल ये होते कि जिंदा आती लाख का मरा हुआ आदमी सवा लाख का, तो बस बात ये है कि उनके सवा लाख के आदमी को तो ज़्यादा चाहिए होता है तो उनको देते रहेंगे जब तक ये इशू होता होगा ये बड़ा। हाँ फिर ये कि वसीब के जो लीडरान हैं इस पर वर्क करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए कि जब तक वो अपने हुकूक हासिल नहीं करते तमाम हुकूक, तब जाके वो ये हुकूक हासिल करेंगे। शायद ये भी एक वजह हो कि सराय के सूबे का न बनने का भी वजह यही हो कि एक वजह ये भी हो सकता हो कि इसमें हो। प्रेस करो, अगर त्वाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है, या त्वाडे नाल कोई ज्याती हो रही है ते साडा राबता नंबर तले पट्टी ते चलदा होया नोट कर गिनो।